आज बॉलीवुड के बादशाह का जन्मदिन है। आज बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 55 साल के हो गए। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, हम मन्नत के बाहर खड़े हैं। यहाँ मन्नत के बाहर जहाँ आप देख हमेशा देखते थे हज़ारों की भीड़ होती थी, और उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर के सामने काफ़ी लोग जमा होते थे, लेकिन इस बार ये भीड़ नहीं है। फिर भी तमाम कुछ फैंस हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। शाहरुख खान ने पहले ही मना किया है कि उनके घर के सामने भीड़ ना लगाई जाए। वो इस बार अपने फैन से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अपने फैन से मुलाकात नहीं कर सकते कोरोना काल को देखते हुए। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर भीड़ ना जमा हो उसके लिए लगातार मुंबई पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है यहाँ पे गैदरिंग ना की जाए, क्योंकि मुंबई में अभी भी कोरोना की जो महामारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। फिर भी कुछ जो फैन हैं कहीं दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर कहाँ से आए आप लोग? वाराणसी से। शाहरुख खान के बर्थडे के लिए सिर्फ आए आप लोग यहाँ? जी बिल्कुल जी, और अभी पता नहीं था कि मतलब वो नहीं है यहाँ पे, और अभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, बट हाँ फिर भी कोई बात नहीं, ये दिन हम लोग के लिए तो बेस्ट है, बिकॉज वी आर द रियल फैंस फॉर दैट, एंड वी जस्ट होप दैट ही इज फाइन एंड ही इज ऑलवेज स्टेज हैप्पी। हैप्पी बर्थडे शाहरुख, हैप्पी बर्थडे शाहरुख, वी लव यू। यहाँ पर देख सकते हैं जो फैंस की खुशी है, साथ में साथ एक नाराज़गी भी है, एक हताश भी है फैंस की, वो इस बार मुलाकात नहीं करें। लेकिन शाहरुख ने पहले ही बता दिया था कि कोरोना की वजह से वो इस बार अपने फैंस से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्या ये बात आप लोगों को पता नहीं थी? नहीं नहीं, ये पता था बट हम लोगों को फिर भी लगा कि मे बी शायद वी कैन गेट एन अपीयरेंस ऑन हिज बर्थडे, बट और शाहरुख के बर्थडे वाले दिन अगर उनके घर के नीचे खड़े नहीं हुए तो आई डोंट थिंक उससे बेटर कुछ होने वाला है, फिर वो ट्रू फैन तो कोई है ही नहीं अगर वो बर्थडे के दिन नहीं आया यहाँ पर तो। शाहरुख का कोई डायलॉग जो आप शाहरुख के लिए कहना चाहेंगी? कोई भी एक डायलॉग। हम एक बार मरते हैं, हम एक बार जीते हैं, हम शादी भी एक बार, प्यार भी एक ही बार होता है, एक ही बार होता है। जाते-आते क्या कुछ वेल विशेस विश देना चाहेंगे शाहरुख के लिए, स्पेशली आप लोग इतनी दूर से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस वो सेफ रहे, फैमिली उनकी अच्छे से रहे, बर्थडे उनका बहुत मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करे वो। हाँ, और हमेशा ऐसे ही उन पे बरकत रहे। हाँ। ठीक है, और ऐसे ही हम उनके साथ बने रहे, ऐसे ही आते रहे, मतलब वो ऐसा काम करते रहे जिससे हम लोगों को खुशियाँ मिलती रहे, और शाहरुख का जो जन्म है ऐसे मूवीज देखते रहे, और हमेशा वो किंग खान बने रहे हमारे बॉलीवुड में, सो देयर इज नोबडी एल्स कैन रिप्लेस हिम, सो ही इज ऑलवेज द वन हु इज द बादशाह ऑफ द बॉलीवुड, किंग ऑफ रोमांस। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा यहाँ पर जो शाहरुख खान के जो फैंस हैं, शाहरुख खान ने मना किया था कि उनके घर के सामने इस बार गैदरिंग ना की जाए, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर कोरोना का जो प्रभाव है अभी भी कम नहीं हुआ है। लगातार जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी तरफ से तमाम कोशिश की जा रही है लोगों से अवेयरनेस फैलाने की, लगातार कोशिश की जा रही है। फिर भी कुछ लोग जो शाहरुख के फैन हैं उनके घर के बाहर खड़े हैं। हम आपको बता दें शाहरुख खान इस बार अपने फैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, एक वर्चुअल मीटिंग के थ्रू अपने फैन से इंटरेक्ट करते हुए वो अपने रूबरू करेंगे अपने फैन से। तो इस तरह शाहरुख खान का जो 55वां जन्मदिन है इस बार ऑनलाइन वीडियो के जरिए मनाया जाएगा। कैमरा संजय के साथ उमेश शुक्ला, News24 मुंबई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।